हमारे साथ खालिद साहब हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता करना है, मुझे शुगर का पेशेंट हूँ मैं जी। जी, और प्रॉब्लम ये है कि मेरी दूर की नज़र जो है ना, उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, और डॉक्टर ने और वो यानी उन्होंने ये कहा कि हमेशा के लिए यूज़ करनी है। तो अच्छा, आप लाइन पे रहें ज़रा। बिल्की साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगी? बस शुगर के पेशेंट है, इसकी वजह से। उम्र क्या है बेटा आपकी? 44 उम्र क्या है? 44। अच्छा, मैं आप लोगों को, आपको भी और सारे जो शुगर पेशेंट है जिनको शुगर की वजह से दूर की या नज़दीक की नज़र जा रही है और शुगर कंट्रोल नहीं रहता हो, आपकी शुगर कंट्रोल रहती है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले नहीं था, लेकिन जब से इंसुलिन शुरू किया तो अब ठीक रहती है। इंसुलिन यूज करते हैं? ठीक है। अच्छा, इसमें टाइप 1 टाइप 2 दोनों के लिए हर्मल बूटी है। हर्मल जिसको हम काला दाना भी कहते हैं और जिसको हम घर में धूनी, जी हर्मल, जिसको धूनी देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तिब्बे नबुई में इसका जिक्र तस्करा बहुत ज्यादा है। आपने करना क्या है, एक टप लेना है, टप में आपने पानी, गर्म पानी डालना है और मुट्ठी भर के हर्मल बूटी जो है उसको मलमल के कपड़े में पोटली बना के उस पानी में डाल दें। रोजाना रात सोने से पहले अपने पांव शुगर पेशेंटों के लिए लाजमी है कि उसमें डिप करें। हाँ, अलबत्ते जिनको हाइपोग्लिसरीमिया होता है, जिनका शुगर बिल्कुल डाउन हो जाता हो, ये उनके लिए नहीं है। ठीक है, ये उनके लिए नहीं है। उसके अलावा जिनकी शुगर 200 से ऊपर रहती, जी जी मैं बता रही हूँ, 5 मिनट डिप करके रखे पांव। 5 मिनट के बाद अच्छी तरीके से अपने पांव जो है टॉवल से साफ करें और चेक करें अपने पांव को, कोई चुभन तो नहीं हुई, कुछ हुआ तो नहीं, क्योंकि गैंग्रीन हो जाता है, लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि वो ऊपर की लेयर में नहीं होता, अंदर हो रहा होता है। Okay. और फिर खुदा ना खास्ता जो है पांव काटने की भी नौबत आ जाती है। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज आपके शुगर को कंट्रोल रखेगी, आपके आंखों को रोशन रखेगी। इसके बाद आपने ठीक है, एक और कॉल लेते हैं। तेल पांव में लगाना है और सो जाना।